नरेंद्र मोदी का करिश्मा कम हुआ है। राहुल गांधी ने जो भूमिका लोगों के सामने रखी, उन्होंने पदयात्रा की तो लोगों की आवाज कांग्रेस के साथ थी। नतीजों से पता चलेगा कि भारत आघाड़ी को देश में भारी मात्रा में समर्थन मिला है, यह कहना है कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले का, जिन्होंने आज नागपुर में मीडिया से बातचीत की। नाना पटोले ने आलोचना करते हुए कहा कि यह सवाल है कि क्या एकनाथ शिंदे और अजित पवार समूह 4 जून के बाद महाराष्ट्र में रहेगा। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी 40 सीटों से ज्यादा सीटें लाएगी, यह पटोले ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा है। मगर महाराष्ट्र तर आम्ही 40 च्या पुढे जाऊ महाविकास आघाड़ी म्हणून, आणि देशातल्या इंडिया आघाड़ीच्या निवडणुकीमध्ये आम्ही जवळपास 300 च्या वर जाऊ अशा पद्धतीचं आज पूर्ण देशामध्ये चित्र आहे। आणि या निवडणुकीमध्ये एक विशेषता आपण पाहिली की जनतेने ही निवडणूक हातात घेतलेली होती, आणि मोदींचा करिश्मा जो देशामध्ये होता 14 आणि 19 तो करिश्मा आता उतरलेला आपण पाहिला। लोकांना पैसे देऊन आणावं लागत होतं त्यांच्या सभेमध्ये, असं संपूर्ण देशामध्ये हे चित्र होतं। आणि त्याच्यामुळे राहुल गांधीजींनी जी काही भूमिका देशाच्या जनतेसमोर मांडली, कन्याकुमारी ते काश्मीर त्यांनी जी पदयात्रा केली, मणिपूर ते मुंबई यात्रा केली, आणि त्या यात्रेच्या दरम्यान जनतेचा आवाज काँग्रेसच्या गॅरंटीच्या रूपाने लोकांसमोर आम्ही मांडला आणि लोकांनी त्याला प्रतिसाद दिला। आणि म्हणून या निवडणुकीमध्ये मोठ्या प्रमाणात इंडिया आघाडीला पूर्ण देशामध्ये लोकांनी समर्थन केलेलं आहे। आज महाराष्ट्र में सूखा है, पीने के पानी की समस्या है, कृषि फसलें नष्ट हो गई है। आज सत्ता में बैठे लोगों को किसानों की आंखों के आंसू क्यों नहीं दिखाई देते? जानवरों के लिए चारा नहीं है, दूध के दाम गिर गए, दूध से नहीं मिल रहे हैं विटामिन। पटोले ने सरकार पे सवाल उठाया कि आखिर सरकार को किसान की चिंता क्यों नहीं है। देखो, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने कल ही कहा है कि राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बने, यह उनका वक्तव्य कल आया है। देश के तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता और देश की सामान्य जनता का भी यही उद्देश्य है कि राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बने। लेकिन इस मीटिंग में वो चर्चा होगी कि नहीं होगी, वो एजेंडा मेरे पास नहीं है। नाना पटोले ने आगे कहा कि अग्रवाल बड़े बिल्डर है, सरकार उन्हें संरक्षण देने की कोशिश ना करे, 4 जून के बाद हम सब सच सामने लाएंगे। कैमरा पर्सन अजीत कुंवर के साथ प्रकाश श्रृंखलवार की रिपोर्ट।